नमस्ते बच्चों, आज हम हिंदी पढ़ेंगे। आज कुछ नया सीखेंगे। आज हम ध सीखेंगे। ध से धनुष, ध से धागा, ध से धान। आओ अब इसे लिखना सीखें हम। सबसे पहले आप छोटा सा लेफ्ट कर्व बनाएंगे। आपने एक छोटा सा लेफ्ट कर्व बनाया, उसी से आपको एक और लेफ्ट कर्व बनाना है, नीचे से ऊपर की तरफ। लेफ्ट कर्व बनाया, उस वहीं से आपको एक और लेफ्ट कर्व बनाना है, ये लेफ्ट कर्व नीचे से ऊपर की तरफ स्टैंडिंग लाइन। बच्चों आपको ये घ दिख रहा है, हमने घ बनाना सीखा था ऐसे, तो आप घ भी बना सकते हैं। आपने यहाँ पर घ बनाया, जो ऊपर की तरफ जो कर्व बनाया था, यहाँ पर हम छोटा सा सर्कल बनाएंगे। घ बनाया, उसकी यही फर्स्ट जो कर्व बनाया था, यहाँ पे हम एक छोटा सा सर्कल बनाएंगे। और जो आपकी स्टैंडिंग लाइन है, यहीं पर हम क्या करेंगे, इसके ऊपर स्लीपिंग लाइन बनाएंगे। ध लेफ्ट कर्व बनाया, ये जो फर्स्ट आपने लेफ्ट कर्व बनाया, उसी से हम एक और सेकंड लेफ्ट कर्व बनाएंगे, नीचे से ऊपर की तरफ। फिर स्टैंडिंग लाइन घ बन गया। यहाँ पर हम जो फर्स्ट कर्व आपने जो बनाया था, यहाँ पर हम एक छोटा सा सर्कल बनाएंगे। अब बच्चों आपको जो स्लीपिंग लाइन खींचना है ना, ये जो आपने छोटा सर्कल बनाया इसके ऊपर नहीं खींचना, हमें स्टैंडिंग लाइन के ऊपर खींचना है। हमें ध फर्स्ट कर्व बनाया आपने, उसी से आपको एक और कर्व बनाना है, जो नीचे से ऊपर की तरफ स्टैंडिंग लाइन। और जो आपने फर्स्ट जो कर्व बनाया है, वहीं पर एक छोटा सा सर्कल। अब आप जो स्लीपिंग लाइन बनाओगे वो कहाँ बनाओगे, स्टैंडिंग लाइन के ऊपर। ध फर्स्ट कर्व बनाया, यहीं से आपको सेकंड कर्व बनाना है, जो ये कर्व बनाओगे आप नीचे से ऊपर की तरफ स्टैंडिंग लाइन। आपने जो फर्स्ट कर्व बनाया, यहीं पे आपको एक छोटा सा सर्कल बनाना है। स्लीपिंग लाइन कहाँ बनाओगे, स्टैंडिंग लाइन के ऊपर। ये आपने स्टैंडिंग लाइन के ऊपर बनाया स्लीपिंग लाइन, ये हमारा क्या बन गया है, ध। फर्स्ट कर्व बनाया, यहीं से आपको सेकंड कर्व बनाना है, जो ये कर्व बनाओगे आप नीचे से ऊपर की तरफ स्टैंडिंग लाइन। आपने जो फर्स्ट कर्व बनाया, यहीं पे आपको एक छोटा सा सर्कल बनाना है। स्लीपिंग लाइन कहाँ बनाओगे, स्टैंडिंग लाइन के ऊपर। ये आपने स्टैंडिंग लाइन के ऊपर बनाया स्लीपिंग लाइन, ये हमारा क्या बन गया है, ध।